स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू का ये दूसरा सॉन्ग आ गया है और इस सॉन्ग को देखने के बाद मेरे दिल से सिर्फ एक आवाज आती है कि ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं है, ये है डिजाइनिंग क्लोथ्स ऑफ द ईयर। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। सो ये जो नया सॉन्ग आया है ये बेसिकली राधा तेरी चुनरी हो राधा तेरा उसी के तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है। वहां पर भी एक वेडिंग का सेलिब्रेशन था, यहाँ पर भी एक वेडिंग का सेलिब्रेशन दिख रहा है। लोकेशन की बात करूँ इट्स ग्रेट ग्रैंड ह्यूज है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्ट्रेस के कॉस्ट्यूम की तो वो ज्यादा दिल जीत के ले जाती है। आपको बताना चाहूंगा मैं दोस्तों, जिस तरीके से टाइगर भैया ने अपनी शेरवानी पहनी है, इंडो वेस्टर्न पहना है, जिस तरीके से लड़कियों ने अपने कपड़े पहने हैं, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे, वो गॉर्जियस लग रहे हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं। वहीं सॉन्ग की अगर हम बात करें तो यस, सॉन्ग राधा तेरी चुनरी टाइप्स का तो इम्पैक्टफुल नहीं है, बट हाँ ठीक है, आप एक बार सुन सकते हैं इस सॉन्ग को। वहीं अगर बात करूं दोस्तों, जो इसके पर्टिकुलर कुछ सीन्स हैं जो बहुत ज्यादा कैची हैं और कहीं ना कहीं आपका दिल जीत के ले जाते हैं, स्पेशली जब वो ग्रेप्स के ऊपर डांस कर रहे हैं वो, प्लस टाइगर भैया ने इसी गाने के अंदर, एक ही गाने के अंदर दोनों हीरोइन को लिप टू लिप किस दे दी है। बाप रे बाप, ये क्या भैया सीन है, समझ में नहीं आ रहा। सो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस सॉन्ग के अंदर लग रहा है कि टाइगर भैया यहाँ पे ट्राइंगल खेल रहे हैं, यानी कि तारा सुतारिया के साथ भी उतने ही ज्यादा फेमिलियर हो रहे हैं जितना कि वो अनन्या पांडे के कैरेक्टर के साथ हो रहे हैं। कुल मिला के ये सॉन्ग ग्रेट है, ग्रैंड है, ह्यूज है, सुनने में वन टाइम है, लेकिन हाँ कॉस्ट्यूम के मामले में A1 है। सो इट्स टोटली डिजाइनिंग ऑफ द ईयर। आपको क्या कहना है दोस्तों इस सॉन्ग को देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज इसी तरीके की बातें लाऊंगा आप लोगों के फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग।